वेलकम टू टू चैनल टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज ऑफ़ लर्न इंग्लिश इन टू मिनट्स इन दिस लेक्चर सीरीज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम दी स्क्रैच तो अंग्रेजी ज़ुबान की बुनियाद ए बी सी डी डिफरेंट लेटर्स पर होती है और जब इन लेटर्स को हम अरेंज करके किसी ऑर्डर में लिखते हैं एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं इन लेटर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ए ई आई ओ यू जो है वोल्स हैं और बकिया तमाम लेटर्स जो हैं वो कॉन्सटेंट्स हैं जब ये डिफरेंट लेटर मिलते हैं तो इन लेटर के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है ये वर्ड क्या है अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग इट परफॉर्म्स एनी सिंटेटिक फंक्शन यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जो कि मीनिंगफुल हो ठीक है पहली बात और दूसरी बात इसका कोई भी सिंटैक्टिक फंक्शन हो सकता है ये एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है एडवर्ब भी हो सकता है अब ये डिफरेंट वर्ड जब मिलते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट तरह का होता है अगर इन वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक कम्प्लीट थाट आ रही हो एक कम्प्लीट सेंस आ रहा हो तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं लेकिन अगर इन इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट थाट दे रहा हो या इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो तो फिर हम उसे फ्रेज़ कहते हैं जैसे इंतकार इसी तरह से गेटिंग पीपल इन टू ट्रबल या स्पीक टू द हेड मास्टर ये डिफरेंट फ्रेज होते हैं क्योंकि कम्प्लीट सेंस नहीं देते लेकिन अगर ये वर्ड जो है इसका कॉम्बिनेशन एक कम्प्लीट सेंस एक कम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो जैसे अ सेट ऑफ दैट इज इन टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिगेट कन्वेग अ स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन और कमांड एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज एंड सम टाइम वन और मोर समेट क्लॉजेस तो फिर ये एक सेंटेंस कहलाता है जैसे द बैग इज इन द बैग इज इन द कार कंप्लीट सेंस है तो ये एक सेंटेंस है लेकिन एक चीज़ होती है हमारे पास क्लॉज ये क्लॉज क्या होता है जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है तो वो एक क्लॉज बनता है क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट अब अगर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो कंप्लीट सेंस दे दे तो फिर वो क्लॉज एक सेंटेंस कहलाता है और इस तरह की क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं ठीक है और सेंटेंस क्या है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट सेंटेंस की डिमांड क्या है कंप्लीट थॉट और क्लॉज की डिमांड क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समटाइम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होते हैं एक सेंटेंस के अंदर लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते ठीक है जैसे आई नो द मैन हु द वॉच अब हु हुटोल द वॉच अगर मैं कहूँ तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा लेकिन जब मैं इसको कंप्लीट पढ़ूँ इस सेंटेंस को आई नो द मैन हु द वॉच तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें एक क्लॉज छुपा हुआ है तो क्लॉज समटाइम जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट भी होता है ठीक है तो अगर हम रिव्यू करें तो कुछ इस तरह से होगा कि डिफरेंट लेटर मिल एक वर्ड बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है वो फ्रेज़ भी हो सकता है क्लॉज भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कंप्लीट थाट दे रहा है तो फिर वो एक सेंटेंस है और अगर उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है तो वो एक क्लॉज है लेकिन अगर वो आ, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है वो कंप्लीट थाट नहीं दे रहा कंप्लीट जो एक सेंस है वो नहीं बना रहा तो फिर वो एक फ्रेज़ होगा आज की वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल इसी तरह से बेसिक्स को डिस्कस करते हुए मजीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वीडियो पसंद आए लाइक like एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं सी एस एस फॉरम वन टू वन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर यह लेक्चर सीरीज़ भी आप ही लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से बनाई जा रही है क्योंकि मेरे पास कोई प्लस मेल थी इंग्लिश के हवाले से तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया है दो से तीन मिनट की वीडियो बनाएंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करते करते आगे आगे जाएंगे ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच हाफिज़